गोरखपुर गांव में हर किसी के पास या तो बकरी थी या फिर गाय। किसी भी घर में दूध घी मक्खन की कोई कमी नहीं थी, सिवाय एक घर के, जो था यशोदा का घर, जो बहुत ही गरीब लोग थे। एक दिन यशोदा की बेटी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ सब लोग दूध पीते हैं, गांव के सब लोगों के पास या तो गाय है या भैंस या फिर बकरी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है माँ। अरे बेटा कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम भी एक छोटी सी प्यारी सी बकरी लेंगे और फिर तू उसे घास खिलाना। पर ये कब होगा माँ, ये बात तो तुम इतने सालों से कह रही हो, बोलो ना बापू को एक बकरी ला कर दे। अरे मेरी बच्ची जिद मत कर, तू तो अपने घर के हालात जानती है और अब तो कोई बच्ची नहीं रही, बात को समझ। कुछ ही दिनों में तेरे पिता का काम भी छूट जाए, यहाँ खाने की इतनी दिक्कत है, ऊपर से बकरी लाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बेटा, बहुत जल्द हमारे पास भी एक प्यारी सी बकरी होगी। हाँ बस तू भगवान पर भरोसा रख, ठीक है? और पिताजी शहर से कब आने वाले हैं? बहुत जल्द, याद नहीं पिछली बार भी तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि वो आते ही एक छोटी सी बकरी खरीद कर देंगे। हाँ कहा तो था, ठीक है मैं इंतजार करती हूँ माँ, तब तक मैं आंगन में एक छोटी सी मिट्टी की बकरी बना लेती हूँ। ये ठीक है, पिंकी अपने आंगन की मिट्टी से एक प्यारी सी बकरी बनाती है और हर रोज उससे बातें करती है। कितनी अच्छी हो तुम, अब तुम हमारी बकरी हो, तुम्हारा नाम गुनगुन है। जल्द ही मेरे पिताजी शहर से एक बकरी लाएंगे, तुम उसके साथ खेलना और फिर मैं उसका दूध पीऊंगी, तुम्हें भी पिलाऊंगी। एक दिन गांव में तेज तूफान और बारिश आती है, मिट्टी की बकरी रातों रात पानी में बह जाती है। माँ मेरी बकरी, देखो ना मिट्टी की बकरी भी भगवान ने मुझसे छीन ली। मैं क्या करूँ माँ? अरे बेटा उदास नहीं होते, मिट्टी की ही तो बकरी थी, हम कल दोबारा बना लेंगे और हो सकता है कुछ ही दिनों में तुम्हारे बाबूजी वापस आ जाएं। अच्छा ठीक है। रोते रोते पिंकी जाकर सो जाती है। अगले दिन ही सुबह उसके पिता घर आते हैं और उनके हाथ में दो बकरियां होती हैं। ओह पिताजी आप बकरियां ले आए, ये सच में हमारी बकरियां हैं ना? अरे पगली अपने पिता को खाना भी पूछ, पानी लाकर तो दे, ये बकरियां हमारी ही हैं। भगवान ने तेरी प्रार्थना सुन ली बेटा, अब तू भी दूध पिएगी बकरी का और हट्टी कट्टी बन जाएगी, क्यों खुश है ना? हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ इसके लिए भी मैं एक मिट्टी की बकरी बनाऊंगी, ये उससे खेलेगी। ईमानदार इंसान और जानवर। एक समय की बात है, एक गांव में कृष्णा नाम का आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था और जंगल में फूल इकट्ठे कर उन्हें बेचा करता था। एक दिन जब वो जंगल में काम कर रहा था उसे बहुत प्यास लगी, वो चलता रहा और उसे एक कुआं दिखाई दिया, वहाँ से पानी निकालने लगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ हमें कोई बचाओ, बचाओ बचाओ हमें कोई बचाओ। कुएं में एक आदमी, बंदर, शेर और सांप थे जो बाहर निकलना चाहते थे। कृष्णा ने तीनों की मदद करने की कोशिश की और एक एक करके उन्हें बाहर निकाला। शेर ने कृष्णा से कहा, धन्यवाद दोस्त, तुम्हें जब भी कोई मदद चाहिए हो तो तुम मुझे जरूर बताना। हाँ दोस्त ये तुम्हारा ही जंगल है, कोई भी काम हो मुझे जरूर याद कर लेना, मैं तुम्हारा बदतर दोस्त हूँ। सांप ने आखिर में कहा, जब भी तुम्हें किसी तकलीफ में और कोई रास्ता न मिले तो मुझे याद करना दोस्त, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, लेकिन याद रहे इस आदमी का भरोसा मत करना। कृष्णा ने सभी की बात ध्यान से सुनी और अंत में आदमी को भी कुएं से बाहर निकाला। मैं एक सुनार हूँ और पास ही में काम करता हूँ, तुम्हें जब भी कुछ काम हो मेरे पास आ जाना। एक साल बाद कृष्णा फिर उसी जंगल में गया, कुआं देखते ही उसे बंदर की याद आई, वो बंदर के पास मिलने के लिए जाता है। वाह दोस्त आओ आओ इतने समय बाद मिले, कैसे हो तुम? अच्छा लगा तुम्हें मिलकर दोस्त, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मैंने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है।
बंदर ने कृष्णा की बात सुनते ही खूब सारे फल इकट्ठे किए और उसे खिलाए। ये लो दोस्त, ये सब तुम्हारे लिए हैं। शेर के पास बहुत सारे गहने हैं, तुम उन गहनों को उससे ले लो, उन्हें बेचकर तुम्हें बहुत खाना मिलेगा और कोई तकलीफ नहीं होगी। कृष्णा और बंदर शेर के पास गए। शेर भी उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गहने दे दिए। दोनों को अलविदा कहकर कृष्णा अब सुनार के पास गया। सुनार वही था जिसकी कृष्णा ने मदद की थी। सुनार उन गहनों को देखकर हैरान हुआ और सोचने लगा, ये बहुत बेशकीमती हैं। मैं इन्हें राजा के पास जाकर दे दूं तो मुझे इनाम मिलेगा। सुनार ने वो गहने कृष्णा से लिए और राजा के पास चला गया। कृष्णा यह देखकर उदास हुआ। सांप ने सही कहा था, मुझे इस सुनार पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। तभी सांप कृष्णा के पास आया। कृष्णा ने उसे पूरी बात बताई। सांप जादू जानता था और अपने जादू से उसने उन गहनों को पत्थर में बदल दिया। जब सुनार राजा के पास गहनों को लेकर गया, राजा पत्थरों को देखकर क्रोधित हुआ और महल से उसे बाहर निकाल दिया। सुनार ने चुपचाप लाकर कृष्णा को गहने वापस दे दिए। वापस आते ही गहने फिर से पत्थर की जगह गहनों में बदल गए। इस प्रकार कृष्णा को अपनी ईमानदारी से अच्छा परिणाम मिला। कोविड महामारी फैली हुई थी। एक चेक पोस्ट के पास एक पुलिस वाला सभी गाड़ियों को चेक कर रहा था कि सबने मास्क लगाया हुआ है या नहीं, सभी ने हाथ सैनिटाइज किए भी हैं या नहीं। यह जांच करते हुए हर गाड़ी को आगे शहर की तरफ जाने दिया जा रहा था। हवलदार के हाथ में एक बड़ी सी डंडी थी और मुंह पर मास्क लगा हुआ था। वो हर गाड़ी में सवार ड्राइवर को समझा रहे थे कि हमें मास्क लगाना कितना जरूरी है। यह सब देख रहा था वही चेक पोस्ट पे एक बड़े से पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ बंदर मामा। उसे यह सब देखकर बहुत हैरानी हो रही थी कि मास्क जैसी कोई अलग सी चीज हर किसी ने क्यों पहनी हुई है। ये मुंह क्यों ढका हुआ है? बात क्या है? जहाँ भी जाता हूँ ये इंसानों ने मुंह पर पट्टी लगा रखी है। ऐसी क्या बात हो गई? रंग बिरंगी पट्टियाँ, लाल, काली, सफेद, रंग बिरंगी फूलों वाली। जरूर इसी का चलन है, मुझे भी इसी तरह की एक पट्टी अपने मुंह पर लगानी होगी। बंदर सबकी नकल करता था। जैसा जैसा पुलिस वाला करता वैसा वैसा वो पेड़ पर बैठा बैठा करता। गाड़ी रुके रुके रुके, रुक जानी चाहिए। हवलदार यह सब लगातार देखता रहता था कि पेड़ पर बैठा बैठा बंदर किस तरह से उसकी नकल उतारता है, लेकिन हवलदार कभी भी इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम में ही मसरूफ रहता था। एक दिन रोटी खाने के समय हवलदार ने अपना डब्बा खोला और खाना खाना शुरू किया। उससे पहले उन्होंने अपनी छड़ी और मास्क निकालकर टेबल के साइड में रख दिए। बस इसी बात का फायदा उठाया बंदर मामा ने। वो तुरंत चोरी चोरी छुपके छुपके आया। हवलदार खाने में व्यस्त था, उसे पता ही नहीं चला और बंदर मामा ने उसका मास्क और छड़ी उठाई और उसे पहन के सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसे देखकर हर कोई हंसने लगा। अब वो उसी तरह की हरकतें कर रहा था जिस तरह की हरकतें पुलिस और बाकी हवलदार करते थे। अपना मास्क दिखाओ, गाड़ी रोको, मास्क पहनो, सैनिटाइज करो, हाँ, अगली गाड़ी। सड़क पे खड़ा हुआ बंदर गोल गोल घूमने लगा, ऊपर नीचे फुदकने लगा और उसके ये करतब देखकर वहाँ से गुजर रहा हर गाड़ी वाला और हर व्यक्ति जोर जोर से हंसने लगा। लगता है इन सबको बहुत मजा आ रहा है। ये मुंह पर पट्टी लगाकर तो मैं और भी खूबसूरत लग रहा हूँ। बंदर बहुत खुश था, अब वो बिल्कुल पुलिस वाला लग रहा था। तभी हवलदार ने उसे बुलाया और कहा, वाह बंदर मामा, आज तो तुमने कमाल कर दिया। यूं तो मैं रोज देखता हूँ तुम मेरी नकल करते हो, लेकिन आज तुमने मेरी जगह ड्यूटी संभाली है। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ। लाओ मेरा मास्क और डंडा वापस दो। मैं तुम्हें ऐसा ही मास्क कल ला कर दूंगा, ठीक है? बंदर बात मान जाता है, डंडा और मास्क वापस कर देता है और फिर से पेड़ पर चढ़ जाता है और सारे नज़ारे फिर से देखने लगता है।
मयूर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत मोर जंगल के पास रहा करता था। उसके दो अंडे हुए, जिन्हें देख देख कर वो बहुत खुश होता था। एक दिन वो अपने अंडों से बातें कर रहा था कि अचानक तेज बारिश आ गई। मोर खुशी के मारे झूमने लगा, नाचने लगा। आहा, कितना खूबसूरत मौसम हो गया है, देखो मेरे प्यारे अंडों, मौसम इतना सुहाना है। मोर जोर जोर से नाचने लगा, बारिश का आनंद लेने लगा। वो खुशी में इस तरह से झूम रहा था कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना हो। अचानक एक बहुत बड़े पत्थर से उसका पैर टकराया और वो घायल हो गया। आह, मेरा पैर! इतना बड़ा पत्थर ये यहाँ किसने रखा? मेरे पैर पर इतना बड़ा घाव, ओह भगवान, बहुत दर्द हो रहा है और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या करूं? मोर अभी तकलीफ से कराह ही रहा था कि अचानक सामने से हाथी ने उसे कराहते हुए सुना और उसके पास आया। तभी अचानक बारिश भी बंद हो गई। हाथी ने कहा, अरे मोर, तुम्हें क्या हुआ? इस तरह से घायल हो, तुम्हारा तो बहुत खून बह गया है, आओ मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो। लेकिन जैसे ही मोर ने खड़े होने की कोशिश की, वो फिर से धड़ाम से गिर गया। ओह नहीं नहीं हाथी भाई, उठना बहुत मुश्किल है, मुझे तो अपने अंडों की फिक्र हो रही है, नाचते नाचते मैं बहुत दूर आ गया हूँ, मेरे दोनों अंडे अकेले होंगे, तूफान का मौसम है, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मयूर मोर, तुम चिंता मत करो, कोई उपाय जरूर निकालते हैं। हाथी बहुत सोचता है और बहुत सोचने के बाद अपनी सूंड से मयूर मोर को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर तक ले आता है। दोनों अंडे बिल्कुल सुरक्षित थे। ओह, शुक्रिया शुक्रिया हाथी भाई, आज इस मुसीबत की घड़ी में तुम मेरे बहुत काम आए हो, मेरे अंडे अकेले रह जाते और इसी बात का मौका उठाकर जरूर कोई जंगली जानवर मेरे अंडों को खा जाता। अब तुम यहीं ठहरो, अभी तुम्हारे लिए जड़ी बूटी लाता हूँ, उसे लगाने से सुबह तक तुम्हारा पैर एकदम सही हो जाएगा। आगे आगे तुम्हें अपने अंडों का ख्याल रखना है, जब बच्चे आएंगे तो उनकी भी तो खातिर करनी है ना, और मैं हूँ ना उनका मामा, उनको सुरक्षा देने के लिए। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आया। हाथी जल्दी से जाकर जड़ी बूटी लाता है और मोर के पैर पर लगा देता है। मोर उसका शुक्रिया अदा करता है और अपने अंडों को बड़े प्यार दुलार से अपनी बाहों में लेकर वहीं सो जाता है। हमें मुसीबत में हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए।